जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं या कोई करेक्शन करवाने जाते हैं तो आपको एक स्लिप दिया जाता है। मैं मोबाइल के स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, तो उससे आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है, या कुछ भी सही करवाए हैं तो वो पता कैसे कर सकते हैं कि सही हुआ कि नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में उसी इनानमेट नंबर से आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तब वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ढूंढ लेना है, क्योंकि यह सिस्टम ऐप है, सबके मोबाइल में आते हैं। तो देखिए यह रहा क्रोम ब्राउज़र, तो इस पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैं पहले से यूज किया था, आप कुछ और यूज किए रहेंगे तो वो पेज आ जाएगा। तो ऊपर 3 डॉट है, उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद न्यू टैब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका यह सर्च करने वाला पेज आ जाएगा। तो सर्च बार पर क्लिक कर देना है और सर्च बार में लिखना है UIDAI। वो देखिए ऊपर भी आ जाता है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज लगा, तो फर्स्ट में ही लिखा है UIDAI.gov.in, ये इसका वेबसाइट है। उसके बाद फर्स्ट वाला लिंक जो है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहता है, आपको जो भी भाषा समझ में आता है वो भाषा आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसे इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए उसके बाद में ये नेक्स्ट पेज खुल गया, तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है। इस पॉपअप को बिना हटाए आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इस पॉपअप का मतलब है कि आपका भी आधार कार्ड अगर 10 साल पुराना हो गया है तो उसमें आप कोई अपडेट, कोई करेक्शन, कोई चेंज नहीं करवाए हैं तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। अभी फ्री में हो रहा है, पहले पैसा लगता था, फिर बाद में पैसा लग सकता है। दिया गया है तो फ्री में हो रहा है, तो वो भी आपको अपडेट करने अगर नहीं आता होगा तो मेरे चैनल पर वीडियो है, वो देख करके आप अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो मैं आई बटन पर उसका लिंक भी दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो अभी इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करके इस पॉपअप को हटा देना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, तो देखिए यहाँ पर चेक आधार स्टेटस जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो आप इसमें लॉगिन करके आधार नंबर से ही अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको आधार नंबर तो पता नहीं है, तो इसलिए आप चेक इनानमेट एंड अपडेट स्टेटस जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अगला पेज खुलेगा, नया बनवाने गए होंगे या अपडेट करवाने गए होंगे, तो आपको एक स्लिप मिला हुआ, उस स्लिप के ऊपर इनानमेट नंबर लिखा हुआ। मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूँ कैसा लिखा हुआ रहता है। उसके बाद में आपके फ़ोटो के ऊपर उसका डेट लिखा रहता है, टाइम लिखा रहता है। तो वो इनानमेट नंबर जो 14 अक्षर का होता है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और उसके बाद डेट जो है पहले ईयर लिखना है, मतलब पहले साल लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, उसके बाद में आपको डेट लिखना है। उसके बाद में जो टाइम है वो टाइम जैसे 14:16:33 रहेगा वो सब आपको लिख देना है। टोटल आपको 28 अक्षर पूरा कर देना है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है जैसे लिखना है, लेकिन ये स्लैश करके बताया गया है, लेकिन आपको ये स्लैश करके नहीं लिखना है, आपको 28 अक्षर ही लिखना है। उसके बाद में ये कैप्चा कोड जो है ये देख करके नीचे में आपको लिखना है, इंटर कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है। अगर ये कैप्चा आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ सिंबल के निशान पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैप्चा कोड चेंज हुआ, तो यहाँ पे इनानमेट नंबर लिख देना है, 14 अक्षर का आपका जो भी होगा। मैं सब कुछ आपको लिख करके बताता हूँ, आपको कहीं पर कुछ स्पेस, कोई पूर्ण विराम जो भी है वो सब आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको 28 अक्षर ही लिखना है। तो देखिए मैं इनानमेट नंबर जो अपना 14 अक्षर का है वो लिख देते हैं। इनानमेट नंबर जो था वो हम लिख दिए। उसके बाद ईयर पहले लिखना है,
उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद में जो टाइम रहेगा वो टाइम लिखना है, कैसे लिखना है वो भी आप देख लीजिए। देखिए मैं कैसे लिखा हूँ, उसके पहले ईयर लिख दिया हूँ, 2023 था तो मेरा 2023 लिख दें, उसके बाद छठा महीना था तो छठा महीना लिख दें, उसके बाद 12 तारीख था तो 12 तारीख लिख दिए हैं, उसके बाद में मैं 14:43:23 पर किया था तो वो मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और ये कैप्चा जो है यहाँ पे लिख देना है, ये सब कुछ लिख दें, उसका सबमिट जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में देख लीजिए ये कैप्चा कोड मेरा इनवैलिड था, ऊपर रेड कलर में लिख दिया। उसके बाद मैं कैप्चा कोड सही सही लिख देता हूँ, सब कुछ सही सही लिख दे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दिए। उसके बाद देख लीजिए नीचे सारा आपका जानकारी दिया होगा, उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिएगा, उसके बाद में फर्स्ट में है, आप रिक्वेस्ट किए होंगे वो एक्सेप्ट कर लिया होगा, फर्स्ट में लिखा हुआ, सेकंड वाला है आपका UDI द्वारा जांच पड़ताल किया हो गया होगा। उसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पर आपका कंप्लीट हो गया है, तो ये सब चेक करके आपको पता चल गया कि आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में आप थोड़ा बैक कर दीजिएगा, उसके बाद में यहाँ देखिए लॉगिन करके आपके पास आधार नंबर रहेगा तो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी डाउनलोड करना मैं बताऊँ, मेरे चैनल पर वीडियो है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, देखिए डाउनलोड आधार जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो देखिए ये नेक्स्ट पेज खुल गया, तो यहाँ पर आधार नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके पास तो अभी आधार नंबर नहीं है, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर ID से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप अपने स्लिप पर से देख करके वो लिख देना है 28 अक्षर जैसे पहले लिखे थे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे 28 अक्षर जो अपना है वो लिख देना है, उसके बाद में ये कैप्चा जो है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, देखिए ये कैप्चा चेंज हो गया, मैं सब कुछ लिख करके आपको बताता हूँ। सब कुछ अपना लिख दिए, उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है, तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा दिए होंगे उस पर एक OTP आएगा, वो OTP देख करके नीचे यहाँ पे आपको सही सही लिख देना है। उसके बाद में नीचे जो वेरीफाई एंड डाउनलोड लिखा है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, देखिए हो गया, तो इस पर क्लिक कर दिए, तो ये थोड़ा देर डाउनलोडिंग होने में लगता है। उसके बाद में देख लीजिए कमरा चुलेसा आपका डाउनलोड मतलब हो चुका है, यहाँ के ये फाइल मैनेजर में गैलरी में भी सेव हो गया होगा, तो फाइल मैनेजर में डाउनलोड फाइल में जा कर के आप अपना देख सकते हैं। गो टू डाउनलोड पर क्लिक करके फिर बैक चले जाना, कोई और आधार कार्ड किसी का और डाउनलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो हमको नहीं करना है तो बैक कर करके मोबाइल के होम पेज पर चल जाते हैं, फिर वही हमको देखना है तो उसको हम दिखाते हैं। उसके बाद में अपना फाइल मैनेजर को ढूंढना है, तो देखिए मेरा फाइल मैनेजर है, तो इस पर क्लिक करके ओपन कर देते हैं। उसके बाद ये डाउनलोड किया था तो मैंने डाउनलोड में होगा तो डाउनलोड पर क्लिक कर दे, उसके बाद ये फर्स्ट में ही आता है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, किसी का डायरेक्ट हो जाता है, मेरा ड्राइव से होता है इसलिए ड्राइव पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड आप अपने नाम का फर्स्ट अक्षर कैपिटल में 4 अक्षर दीजिएगा, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का साल जो आपका होगा वो आप लिख दीजिएगा, उसके बाद ओपन पर क्लिक करिएगा तो वो ओपन हो जाएगा, तो ये आपके फाइल मैनेजर में सेव हो गया, ये वैलिड है, आप चाहे तो इसे कहीं भी दिखा भी सकते हैं। अगर इसका फिजिकल आप निकलवाना चाहते हैं तो किस दुकान में जाइएगा और मोटे कागज़ पर आपको 50 रुपये में निकाल करके दे देगा, और इसका जहाँ पर भी जरूरत है वहाँ पर दिखाइए। उसके बाद में मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, आपके लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।